हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिफोर पेमेंट क्या हम दो बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमने पासपोर्ट का जो पेमेंट जो फी होता है 1500 रुपया, अगर हमने उसको पे नहीं किया है और एक वाला जो हम पहले फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमने कुछ गलती डाल दी है, चाहे एज में गलती डाल दी हो, चाहे पेरेंट्स का नाम लिखने में गलती हो गया हो, तो क्या हम उसी में दूसरा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये अक्सर सबके साथ हो जाता है, गलती हो जाती है, इंसानी, हम लोग हर एक चीज से गलती हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो एक फॉर्म आप भर सकते हो, मतलब एक फॉर्म भरे उसमें गलती हो गया तो आप दूसरे फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा गलती हो गया तो आप तीसरे को भी अप्लाई कर सकते हो, तीसरा फॉर्म भी वहां पर अप्लाई करते हो। लेकिन इतना याद रखना, जब भी आप पेमेंट करने जाओ तो वहां पर ही सावधानी आपको बरतनी होगी। चाहे सावधानी ये बरतनी होगी कि वो तीनों फॉर्म आपका शो करेगा जब आप पेमेंट करने जाओगे, तो उस टाइम पर आपको तीनों में से देखना होगा कि आपका कौन सा फॉर्म जो है सही है, उसी फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट करना है 1500 रुपये जो भी आपका चार्ज है पासपोर्ट का, पे कर देना है। पे करने के बाद वहां से पेमेंट सबमिट हो जाएगा। तो ये वीडियो जो थी आज का, मेरा मेन मोटो यही आपको बताने का था कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो उसी सेम ईमेल आईडी से। ऐसा नहीं है कि आपको नया यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप देखो अपना खुद का यूजर अकाउंट बनाए हो तो वहां पर लॉग इन कर लेते हो, और वहां से आप चाहो तो अपना ही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स का भी उसी आईडी से जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने मतलब कई लोगों का आप अप्लाई कर सकते हो। देखो एजेंट लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी वो आपके खुद का यूजर आईडी नहीं बनाते हैं, कभी कभी तो मुझे लगता है ऐसा कि नहीं बनाते हैं, एक ही यूजर आईडी जो उनके पास होती है उसी से दो चार लोग का भर देते हैं, तो इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इतना याद रखना, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो तो आपके घर वालों का अगर कर रहे हो तो उनका अलग से यूजर आईडी बनाओ, जैसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड उनका अलग से बनाओ, फिर एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर लॉगिन करो। अपना बना रहे हो तो अपना अलग से बनाओ, फिर एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर लॉगिन करो। तो सबका पहले न्यू वाले में लॉगिन करना है, फिर एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर लॉगिन करना है, फिर फॉर्म को फिलअप करना है, जो प्रोसीजर उसी तरीके से आपको चलना है, और अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है, फिर पेमेंट वगैरह करना है। एक बार गलती हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे फॉर्म को अप्लाई करो, दूसरा गलती हो गया तीसरे फॉर्म को अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने के समय जो है आप सावधानी बरतो, पेमेंट करने के बाद कोई करेक्शन नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करो, पेमेंट कर दिए हो, तो उसके बाद कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई भी एडिटिंग उसमें नहीं हो पाएगी, और जो भी आपको करेक्शन करना है वो पेमेंट करने से पहले अगर करोगे तो आप कर सकते हो। तो आज का मेरे मेन वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मैं इसके बारे में आपको बता सकूं। उम्मीद है कि आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा, और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद भी कंप्लीट हो गया कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक पर।